नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव 28 अगस्त 2024 से मार्गी होने वाले हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 28 अगस्त 2024 से बुधदेव कर्क राशि में वक्री चाल को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं और बुध देवता 4 सितंबर 2024 तक बलवान अवस्था में कर्क राशि में ही संचरण करने वाले हैं। इसका कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में इसका नेगेटिव प्रभाव भी बढ़ने वाला है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, बुध स्वयं आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, तो किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो कन्या राशि वाले जातकों, ज्योतिष में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है और बुध देव को एक प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। बुध देव अगर कुंडली में बलवान अवस्था में विराजित होते हैं, वाणी में मिठास और व्यक्तित्व में आकर्षण देते हैं, साथ में कुंडली में बुध का बली प्रभाव व्यापारिक सफलता को भी जीवन में निर्धारित करता है। व्यापार में बड़ी उपलब्धि आसानी से मिलती है। बुध अगर कुंडली में बलवान अवस्था में विराजित हो, कई भाषाओं का जातक ज्ञान रखने वाला और जीवन में परिवार को समन्वय पूर्वक रखने में सफल और परिवार जीवन में सहयोग की भावना भी परिवारजनों के साथ मिलती है, यानी परिवार का सहयोग ऐसे व्यक्ति को काफी ज्यादा मिलता है। यही बुध अगर कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हो तो मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, त्वचा जनित समस्या देखने के लिए मिलती है तथा बुध के पीड़ित होने पर लगातार प्रयासों के बावजूद भी कर्म क्षेत्र के मामले में सफलता नहीं मिल पाती है। और बुध का खराब प्रभाव शिक्षा के मामले में भी लगातार उतार चढ़ाव देता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, बुध स्वयं आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। जो 28 तारीख को आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ घर में ये मार्गी होने वाले हैं, यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार का परिवर्तन और सफलता मिलने वाली है। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखे, राशि के स्वामी अष्ट अवस्था में चल रहे थे और वक्री चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातकों के मनोबल की कमी लगातार बनी हुई थी। तो इस समयावधि में सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में निखार और आपके मनोबल का विकास होने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में बुध का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में व्यापारिक सफलता देने वाला है। यदि आप इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में जोड़कर काम कर रहे हैं, करियर के मामले में सफलता का योग इस समयावधि में बनने वाला है। और उसके साथ साथ कन्या राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो आपके जीवन में नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ भाव में बुध देव मार्गी होने वाले हैं, तो इस समयावधि में धन के आयामों में वृद्धि भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, यानी कई स्रोतों से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन लाभ होने वाला है। व्यापारिक स्रोतों से भी आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं।
देखिए बुध का संबंध जो है वो आपके पंचम घर से भी बनने वाला है। ऐसे में कन्या राशि के एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़कर अध्ययनरत हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक उत्साहित होकर अध्ययन के क्षेत्र में संलग्न रहने वाले हैं और आपको जीवन में शुभता मिलने वाली है। और इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का ही प्रभाव ऐसा रहेगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो मान सम्मान को काफी ज्यादा आकर्षित करने वाला है। यानी मान सम्मान इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक काफी ज्यादा अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बुध से जुड़े हुए दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए ओम भूम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।